हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे डेस्कटॉप पर जो ये आइकन्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, इन्हें हम कैसे शो और हाइड कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके डेस्कटॉप आइकन्स विंडोज़ 10 में शो हो रहे हैं। अब मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ये आइकन्स नहीं चाहिए। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पर कुछ आपको समझाना है, और अगर मुझे ये आइकन्स उस समय वीडियो के अंदर नहीं चाहिए तो उन्हें मैं हाइड करूँगा। तो हम दो ढंग से इन आइकन्स को हिडन और शो कर सकते हैं, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा और इजी मेथड है, इस वजह से वीडियो भी कोई हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। बस इसे एंड तक ज़रूर देखें ताजो आपको दोनों मेथड्स के बारे में पता लगे, और सेकंड अपने जिन मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है कि आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को ओपन कीजिए विंडोज़ की। तो हमने यहाँ स्टार्ट पर क्लिक किया और ये सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे पर्सनलाइजेशन के अंदर। पर्सनलाइजेशन के अंदर हमने जाना है थीम के अंदर। तो थीम के अंदर आपके ये शो हो रहा है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, आप इन पर क्लिक कर दोगे। इन पर क्लिक करने के बाद जो हमें ऑप्शन शो होगा वो ये रहेगा। अब मान लीजिए हमने ये पांच यहाँ पर आइकन्स हैं जो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे यूज़र फाइल्स नहीं चाहिए, नेटवर्क्स नहीं चाहिए और कंट्रोल पैनल नहीं चाहिए। तो एक तो हम इनमें से जो जो हमें चाहिए वो रख सकते हैं और जिन आइकन्स को हम बंद करना चाहते हैं उन्हें बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमने सारे आइकन्स को हाइड करना है तो इन सब टिक्स को आप हटा दीजिए। अगर हमने बीच में से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर और रिसाइकल बिन रहे, उनको हमने रख लिया, बाकी को हमने अनचेक कर दिया और मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया, सब चले गए और ये दो आइकन हमारे स्क्रीन पर रह गए। अब अगर सारे चाहिए तो आप इन पे क्लिक कीजिए, कभी इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है और अप्लाई पर क्लिक कीजिए, आ जाएंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे, हमने सब आइकन्स को डेस्कटॉप से क्लियर करना है, डेस्कटॉप को साफ करना है, देन आप सबसे टिक हटाओगे और अप्लाई पर क्लिक कर दोगे। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा होता है कि जैसे ये हमारा दिस पीसी के लिए आइकन है, ये लगा हुआ है इस समय, हम इस आइकन को अगर चेंज करना चाहते हो देन आप क्या कीजिए, चेंज आइकन पर क्लिक कीजिए। आपके पास इस तरह से बहुत सारे आइकन शो हो जाएंगे, आपको जो भी बढ़िया लगे आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कोई भी एक उठा लेते हैं, यहाँ से ये ले लिया, ये तो लगा ही हुआ है, हमने ये वाला आइकन ले लिया और इसे अप्लाई कर दिया, और इधर से जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये आइकन चेंज हो जाएगा। तो आप जो ट्रेडिशनल आइकन्स हैं वो भी रख सकते हो, आप अगर अपनी तरफ से कस्टमाइज्ड आइकन्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और जो जैसे आपने देखा कि हमने ये आइकन चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया और इसे अप्लाई कर दिया पर मुझे ये बढ़िया नहीं लगा, तो जब ये रिस्टोर बटन है अगर इसे हम अप्लाई करते हैं तो इन आइकन्स के रिलेटेड जो भी हमने चेंज किया है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, मतलब जो पहले विंडोज़ की तरफ से डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपने जब आइकन्स को शो करना है तो आप इन पर टिक लगाइए और अप्लाई कीजिए, आपके आइकन स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब आपने इन्हें हाइड करना है तो आप ये टिक हटा के अप्लाई कर दीजिए, चले जाएंगे। और इसके बाद सेकंड मेथड जो कि बहुत ही शॉर्टकट है, आप डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और व्यू पर जाइए और ये जो ऑप्शन है शो आइकन
शो डेस्कटॉप आइकन, जब इस पर ये टिक का मार्क लगा हुआ है देन उसका मतलब क्या है कि आपके आइकन शो हो रहे हैं। जब ये टिक नहीं शो हो रहा तो उसका मतलब क्या है कि आपके आइकन्स नहीं शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से इसे चेक और अनचेक करके इन्हें हाइड और शो कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स ये जो तीन ऑप्शन है, फर्स्ट लार्ज आइकन है, मीडियम से ये थोड़े छोटे हो जाएंगे और स्मॉल से ये ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। बाकी आपका अरेंज ऑटो अरेंज है, इसे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप कहीं पे भी अगर आपने आइकन को ड्रैग करते हो तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। अब मैं स्टिक को हटा देता हूँ और इस आइकन को यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो ये यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा। बट जब हमारा ये ऑप्शन ऑटो रेंज आइकन ऑन है तब ये हम नहीं कर सकते कि आइकन को ड्रैग करके उसकी लोकेशन चेंज कर सके। और जो नेक्स्ट है ये इसकी अलाइनमेंट का है, तो ये अलाइन टू ग्रिड करेगा इन्हें, ठीक है। और आपका शो और हिडन बता ही चुका हूँ। तो ये था वीडियो कि हम कैसे अपने आइकन्स को शो और हाइड कर सकते हैं राइट क्लिक के हेल्प से और विंडोज़ की सेटिंग्स से हेल्प से। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।